अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली क्लास से ही आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था डेट वाज बेटा म्यूट तो करो अपने आप को। किसी से स्ट्रेस ले रहे हैं? लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था डेट वाज The reasons of energy crisis, ठीक है ना। आज जो हम पढ़ेंगे वो है what are the remedies of energy crisis। देखें, दुनिया में मैं समझता हूं कि कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल अवेलेबल ना हो, ठीक है जी। दुनिया के जितने भी मसले हैं सबका कोई ना कोई हल मौजूद है, ठीक। अच्छा, तो अब लास्ट क्लास में पढ़ा कि हमारे एनर्जी क्राइसिस क्या है और इनके सॉल्यूशंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको कि डिस्कस द रेमेडीज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की जो रेमेडीज है उसके सोल्यूशन क्या है ये हमने डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज construction of Kalabagh dam should be taken as earlier as possible, ठीक है जी। सबसे पहले क्या आ गया जी कि construction of Kalabagh dam जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए, that should be as earlier as possible, जितना जल्दी हो सके। अच्छा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि डैम जब बनेगा तो बिजली पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना हमारे बिजली के रेट में फर्क आ जाएगा कि अगर ये ऐसा हो जाए हमारे साथ, ठीक है ना। अभी डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कालाबाग डैम शुड बी टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए जी, कालाबाग डैम इज नॉट द ओनली डैम, वी हैव सो मेनी अदर डैम्स एज वेल, लेकिन कालाबाग डैम की बहरहाल अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कालाबाग डैम बेसिकली एक बहुत ही बड़ा डैम बनेगा। जब भी ये डैम बनेगा तो कालाबाग डैम एक बड़े लेवल पर बनेगा, ठीक है ना, और उससे बिजली के अंदर हमारा जो है ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, बहुत ज्यादा हमारे बिजली के रेट्स में भी चेंज आएगा उसकी वजह से। और इसमें पढ़ते हैं हमने क्या लिखा। टू ओवरकम द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ एनर्जी The construction of Kalabagh dam is inevitable because its generating electricity will be the cheapest, nearly 70 paisas per unit. अंदाजा हो रहा है आपको इस बात का कि मैंने क्या कह दिया जरा सी देर में? हाँ, कि इससे जो इंपैक्ट आएगा, वो इतना ज्यादा होगा कि बिजली का एक यूनिट 70 पैसे का हो जाएगा, एक रुपए का नहीं 70 पैसे का। व्हाट विल बी द इंपैक्ट? जो बिजली का बिल, मैं आता हूं हमारे घर का तो अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा बिल आता है, 12,000, 15,000, 12,000, 15,000, कभी कभी तो 18, 19, 20,000। अब ये बिल हमारे घर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये बिल हो जाएगा 800,000 रुपए। अगर 800,000 का बिल हो जाए फुल इस्तेमाल करने के बाद, तो कोई गुंडा लगाएगा? 99% लोग गुंडे से अपनी जान छुड़ा रहे और बिल्कुल आ जाएंगे उसके अंदर। प्लस इतनी सस्ती बिजली होगी और पानी से बिजली बनेगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजली होगी। अभी जो पाकिस्तानी बिजली इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी दुनिया की महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग, वी आर यूजिंग द मोस्ट कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा, एक तो जाहिर है कि कालाबाग डैम बनेगा तो जो जितनी बिजली इस वक्त पाकिस्तान बना रहा है उसमें वो बिजली आकर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि कालाबाग डैम बन जाएगा तो ये यूनिट बंद कर दो, कहना बंद कर दो, फला बंद कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। बल्कि जो मौजूदा यूनिट है, हम सबसे पहले उनको तो हम चलने देंगे, प्लस उसको भी हम ऐड कर लेंगे, तो होगा क्या कि बहुत सारी जो बिजली हमारी वो उसमें ऐड अप हो जाएगी, तो ये बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, तो जितना पानी का बिल आपका आता है उतना बिजली का आने लगेगा, कितना मजे आ जाएंगे।
पानी का बिल भी उतना ही, गैस का बिल भी उतना ही आने लगे और बिजली का भी, सब 150-200 रुपए के बिल पर, और जान छूट जाएगी। अभी कितना ज्यादा हमारा फायदा हो सकता है इसमें अगर ये डैम बन जाए। काला बाग डैम बनाने का कहने वाला शख्स पता है आपको कौन था पाकिस्तान में? कायद आजम मोहम्मद अली जिना। ये कायद आजम ने कहा था कि ये डैम बनाओ, आज तक ये डैम नहीं बना। ठीक है जी, बाहर कायद आजम ने कहा, उनकी हालत इस बहुत खराब रही, मेडिकल हेल्थ से वो दो चार है, और उन्होंने भारत उनकी डेथ हो, भारत इसका संज्ञेय बुनियाद रख दिया गया। आप गैस करें जरा, कब संज्ञेय बुनियाद रखा गया होगा इसका, कौन से ईयर में रखा गया होगा? इट वॉज 1952। ठीक है जी, 1952 में इसका संज्ञेय बुनियाद रखा गया। ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये पहले होना चाहिए था, बहुत ज्यादा पहले होना, पहले नहीं बल्कि अब तक पहले बन जाना चाहिए था, अब तक नहीं बना, 1952 में बना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था जो कि नहीं बना। 1952 में इसका संज्ञेय बुनियाद रखा गया, ये 2020 चल रहा है, अभी तक ये डैम नहीं बना। ठीक है जी, क्यों नहीं बना जी ये डैम? उसकी वजह है हमारे सियासी कुछ लोग जो ये समझते हैं कि अगर ये डैम बन जाएगा तो हमारी सिंध की जमीनों में कोई मसला हो जाएगा, फलां की जमीनों में कोई मसला हो जाएगा। ठीक है ना, तो पारल सियासत की नजर के मसला हो गया और आज तक ये डैम नहीं बना। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, कंसेंसस अमंग फोर प्रोविंसेस इज मस्ट। इसके लिए कंसेंसस जो है हमारे फोर प्रोविंसेस के अंदर जो कंसेंसस है वो लाजमी है। ठीक है ना, ये कंसेंसस नहीं होकर दे पा रहा हमारे प्रोविंसेस के दरमियान, और इस वजह से क्या हो गया कि नहीं हो रहा, जब तक चारों सूबे इस बात पर अग्री नहीं हो जाएंगे कि काला बाग डैम बनना चाहिए, तब तक ये डैम बनना पॉसिबल नहीं है। तो हो क्या रहा है कि हमारे ये लोग सारे मिल के बैठ नहीं रहे, ये लोग सारे बात समझ नहीं रहे, इस वजह से ये डैम बन के नहीं दे रहा। पॉलिटिशियन शुड कंसिडर दिस इशू इन द वास्ट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो हमारे सियासतदान इन्हें चाहिए कि अपने सियासी मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू करें कि पाकिस्तान को इस डैम से कितना फायदा हो सकता है, तभी जाकर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये डैम जरूर बनेगा। ठीक, अच्छा जी, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। कितना लिखना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, कि 70 पैसे पर यूनिट भी रख सकते हैं आप, अगर लाइन नंबर 4 अगर आप करना चाहें तो यहाँ तक जो कंट्री लिखा हुआ है लाइन नंबर 4 में, यहाँ तक भी अगर आप करना चाहें ये भी चलेगा, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो ये हो गई बात इसकी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दिस प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट वुड बी एबल टू जनरेट 2400 मेगावाट हाइड्रल पावर विच कैन बी मैक्सिमाइज टू 3600 मेगावाट। ठीक है, देखिए दुनिया के बारे में कहा जाता है, तीसरी आलमी जंग तो कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 ही है, अगर देखा जाए बायोलॉजिकल वेपन, उसको भारत कहा जा सकता है, क्योंकि आज दुनिया वाले जितनी कैद में है, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, जब इतने ज्यादा इम्पैक्ट आया था पूरी दुनिया की इंसानियत पर, और उसके बाद सबसे ज्यादा आज इम्पैक्ट आया, तो वी आर द पीपल, हम लोग वो हैं जो हम ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारे पाकिस्तानी समेत दुनिया के तमाम कंट्रीज, स्पेशली अमेरिकन एंड यूरोपियंस इससे सबसे ज्यादा हिट हुए। दिस प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट वुड बी एबल टू जनरेट 2400 मेगावाट, ये जो मैंने बताया आपको। अच्छा, बिजली के मसाइल अपनी जगह, पानी का मसला कितना सॉल्व हो जाएगा इससे? अब देखे ना, पता नहीं कितने सारे एरियाज पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां पानी नहीं आता, और अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो पानी का बहुत ज्यादा मसला जो है वो काफी हद तक सेव से जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा जी, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी मस्ट बी सर्च्ड आउट। ठीक है ना, यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप पेंसिल और रजिस्टर रख लें, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ जो आपने लिखना होगा।
यू मस्ट हैव अ पेंसिल एंड अ पेन रजिस्टर व्हाटएवर. ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी मस्ट बी सर्च आउट. यानी कि होता क्या है कि हम देखते हैं कि यार हम एक चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उस चीज के अंदर वक्त के साथ साथ कमी आती जा रही है. तो अगर कमी आती जा रही है तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए. हमें अब एक एनर्जी अगर कम होती जा रही है तो हमें उसको फौरन उसका दूसरा उसको सब्स्टिट्यूट तलाश करने की जरूरत है. जिस तरह पेट्रोल बहुत ज्यादा ट्रैफिक में इधर हर जगह इस्तेमाल हो रहा था, हमने गैस लगाई साथ, LPG, LNG, CNG, ठीक है ना, कई दसियों किस्म की हमने गैसेस लगा दी उसके साथ. तो बहरहाल ये हमने किया और ये जरूरत भी थी, बहुत अच्छा किया, हमें करना भी चाहिए था, ठीक है ना. तो इसमें क्या बताया गया कि हमें चाहिए कि हम वक्त के साथ साथ नए नए ऑल्टरनेटिव हमें देखने चाहिए. अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई बहुत ज्यादा कोई जो है ना ऐसी कोई हुकूमत नहीं आई जो बहुत ज्यादा हमारे आवाम के फेवर में हो और हमारे आवाम के बारे में सोचती हो. क्योंकि आवाम के फेवर में और आवाम के बारे में सोचने वाली हुकूमत नहीं आई, इस वजह से बिजली के ऊपर ना तवज्जो दी गई ना पानी की तवज्जो दी गई. यही वजह है कि बिजली का ही मसला हमारे यहाँ है और पानी का ही मसला हमारे यहाँ है. देखें, ये बुनियादी मसले हैं. किसी भी शख्स की बुनियादी चीजें क्या है, एक बिजली, दूसरा पानी, तीसरा गैस, चौथा सीवरेज का निज़ाम, पांचवा खाने पीने की चीजों का निज़ाम. पाकिस्तान में आज तक यही पांच चीजें भी हमारी पूरी सही से नहीं हुई, ठीक है जी. हमें पीने को साफ पानी अवेलेबल है, वी आर लिविंग इन द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है ना. FB एरिया बहरहाल एक सेंट्रल है कराची का, और यहाँ पर भी पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं, ठीक है ना. नॉर्थ कराची में अवेलेबल नहीं, गुलशन में अवेलेबल नहीं, हद तक के सबसे महंगा ये कहा जाता है डिफेंस कलेक्ट्रेट को, वहां पर पानी की लाइन ही नहीं, मतलब ये हमारा लेवल है, ठीक है ना. पानी से महरूम, बिजली का बहरहाल हमारे यहाँ इतना मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर आज भी बिजली का भी इश्यूज अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है, राइट. व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज. अगर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को हमें सर्च आउट करना ही पड़ेगा, अगर हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को सर्च आउट नहीं करते हैं तो हमारा हल नहीं कर सकता इसका, ठीक है ना. अब व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज. देयर आर टू बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू पाकिस्तान. देयर आर टू बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल इन पाकिस्तान. दे आर विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. अच्छा, विंड एनर्जी का बहरहाल शायद इतना इस्तेमाल पाकिस्तान में अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन सोलर पर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी. दिस इज समथिंग पॉजिटिव कि हम सोलर पर बहुत ज्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं और इसके जरिए बहुत ज्यादा काम चल रहा है. दिस इज समथिंग पॉजिटिव. इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पर मजीद इजाफा होगा और जो हमारे पास बिजली जो है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा. अच्छा, बिजली का मैं कराची वाले, अब मैं कराची, वी ऑल आर लिविंग इन कराची. कराची पाकिस्तान की सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है जी. जो हमारा था, हमारा रेट है कराची में जो रेट है, अगर उसको आप कंपेयर करें इवन सिंध के अंदर ही दूसरी जगहों से, तो ऐसा रेट है. कराची का रेट ही अलग होता है, बिजली का रेट ही अलग है. भाई क्यों, क्या हम सौतेले हैं या हम पाकिस्तानी नहीं है, क्या हमने ऐसा क्या कर दिया भाई कि हमें आप रेट दे रहे हो. हमारा रेट अगर 21 रुपए का यूनिट चल रहा है या 9 रुपए का यूनिट चल रहा है या 8 रुपए का, दूसरी जगह का 5 रुपए यूनिट है, तो हमें 5 रुपए क्यों नहीं मिल रहा. गर्मी बरसाता है अपनी और आजकल तो यूरोपियंस भी तरस रहे हैं धूप के लिए और गर्मी के लिए, क्योंकि स्प्रेड जो है वहां ज्यादा हो रहा है जहाँ पर 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, वहां कोरोना वायरस जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है और हमारे यहाँ इस लेवल पर नहीं फैल रहा, शायद उसकी वजह बहरहाल कहा जा सकता है कि गर्मी है और टेम्परेचर का थोड़ा ज्यादा होना यहाँ पर बहरहाल इसकी वजह है. अच्छा, ऑल्टरनेटिव और क्या हो सकते हैं. सोलर आपको मैंने बता दिया, विंड आउट बता दिया, हवा के जरिए. अब हवा के जरिए यार इसमें क्या लग रहा है आपका, हवा तो चल रही है. पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा, तमाम, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान के पास नहीं है. हवा हमारे पास, सूरज हमारे पास, ठीक है ना, सारे मौसम हमारे पास, पानी हमारे पास, झरने हमारे पास, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, मेहनत कश लोग हमारे पास, 60% जवान हमारे पास, ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारे पास. What else we need? Just one thing we need, and inshallah we will go too much for the development. That is hard working.
that the people of Pakistan should go towards education and hard working in the positive way. Agar hum tarike se kaam kare, sahi jagah par agar humne kaam karna shuru kar diya, to hum itna tarakki karenge ki hum we may be super power. Pakistan ke upar bahut sare aise articles likhe gaye, bahut sari aisi baatein likhi gayi jiske andar ye kaha gaya hai ki Pakistan ek super power bhi ban sakta hai. Theek hai na? Pakistan is ideal liquidity bla bla sun liya aapne. Balochistan province is very rich in solar energy aur Balochistan sabse zyada rich hai hamara. Acha, wahan abadi bhi kam hai aur jagah bahut sari khali padi hui hai, to us jagah pe agar solar power plants laga diye jaye to hum itni bijli generate kar sakte hain ki na sirf hum basate khud use istemal karenge balki hum us bijli ko bahar bhi bhejenge, bahar bhi istemal karenge. Theek hai ji, aage badho. Balochistan province ki bhi baat suni humne. There is also a third source of energy available, that is biomass energy, which can serve the purpose of fuel for agriculture residues. Acha ji, it can be generated from municipal wastes, sewage and water and sludge, industrial waste, animal waste, carbon dioxide and flue gases, etc. तो बात ये कचरा कितना करते हैं पाकिस्तानी, हाँ क्या ख्याल है, कचरा करते नहीं करते पाकिस्तानी? तो ये जो कचरा हम फेंकते हैं इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी बननी चाहिए, या गवर्नमेंट सरकारी अगर काम करने वाले बंदे ढंग के मेरिट पर रखें और सारा कचरा उठाए उसको लेके जाए और उससे बिजली बनाए, दिस इज कॉल्ड बायोमास. ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें करके दिखाता हूँ कि व्हाट कैन वी डू. इसमें ये पैरा है, इसमें बहुत सारी हमें हेडिंग्स बनानी होंगी. ठीक है ना? सॉरी, शुरू से बात करें दोबारा से. दे आर टू बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू पाकिस्तान. अब ये विंड एनर्जी बना लें हेडिंग, ऑल्टरनेटिव की हो गई हेडिंग, मेन हेडिंग हो गई, इसको सब हेडिंग में क्लासीफाई करते हैं. जितनी बड़े इतना सारा इसमें लिखा, कितना सारा लिखा हुआ इसमें, इसको बहुत सारे हिस्सों में आप डिवाइड कर दें तो बेहतर होगा. मिसाल के तौर पर देखिए, आपने करना हुआ काम, मैं चाहता हूँ जितना ज्यादा आप प्रोडक्टिव होंगे जब आप खुद काम करेंगे. देखिए, मैं करके दे दूंगा जिसको मसला होगा बहुत ज्यादा. डेफिनेटली आई एम हियर, आई एम हियर फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट, बट यू नो व्हाट, जब आप काम करेंगे ना खुद से तो उसका मजा ही अलग होगा. ठीक है ना? अब देखें, विंड एनर्जी की एक हेडिंग बनाएंगे आप. ठीक है ना? विंड एनर्जी एंड सोलर, मैंने हाईलाइट किया विंड को और ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सोलर. सोलर एनर्जी की आप हेडिंग बनाएंगे तो ये इसके अंदर दो सब हेडिंग होंगी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी. ठीक है? पोटेंशियल इतना इतना पोटेंशियल हो गया, ये मैंने आपको बता दिया. करंट पावर हो गई, ये हो गया एडवांस रिलायबल बला बला बला. पाकिस्तान इज आइडियली लोकेटेड इन द सन, ये भी आप इसमें, आप इसमें ऐड करेंगे. ठीक है ना? सोलर एनर्जी के बाद बायोमास आप बनाएंगे हेडिंग, ये आ गया बायोमास एनर्जी. तीन हेडिंग जिसके अंदर आप लिखेंगे. ठीक है ना? एक और हेडिंग आप इसमें हाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी की हेडिंग बनाएंगे, उसमें भी आप लिखेंगे. तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, इस सवाल को एक्सपेंड करना होगा. क्योंकि देखें इस नोट्स में जो है इसकी हेडिंग कितनी है, तीन, ये बस ये दो ही हेडिंग है. इन पर मैं कुछ हेडिंग्स पढ़ाता भी हूँ, अभी आप देखते हैं. हाइडल, हाइडल भी हो जाएगा. ठीक है? तो ये एक हेडिंग हाइडल हो गई, एक बायोमास हो गई, तो दो ऊपर हो गई. ठीक है? चार, चार मेन हेडिंग होगी और एक और हेडिंग ऊपर वाली जो हमने कराई कंस्ट्रक्शन ऑफ कालाबाग डैम. इसमें बाकी डैम्स का भी जिक्र कर दें, कंस्ट्रक्शन ऑफ कालाबाग डैम एंड अदर्स, एंड अदर्स अगर आप इसमें ऐड कर दें, इससे क्या होगा कि मजीद डैम्स का भी इसमें जिक्र करें. दयामिर भाषा की जो हमारे साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने जो बात की थी कि यार ये भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको भी हम देख लेते हैं. ठीक है ना? तो ये आप ऐड करेंगे. अब मैं आपको इसके अलावा भी हेडिंग्स बता रहा हूँ. देखें, जब आप खुद भी प्रोडक्टिव होंगे ना तो मज़ा मुझे भी ज़्यादा आएगा कि नहीं यार आप भी कुछ करके मुझे दिखा रहे हैं, सर ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, सर इसमें कोई नई हेडिंग भी इसमें ऐड हो सकती है. कोई आपको लगता है कि सर ये वाली हेडिंग हम ऐड करना चाहते हैं, आप मुझे 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 मैसेज करें, मुझसे कंसल्ट करें, मुझे व्हाट्सएप पर बकायदा कॉल करें. अगर मैसेज कर आप मुझे कॉल कर लें, सर आपने ये बताया मुझे, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई. राइट? अच्छा, प्राइवेट ग्रिड सिस्टम, दिस हेडिंग में बी एडेड इन इट,
के प्राइवेट ग्रिड सिस्टम में होना चाहिए, किस तरह से ये काम कर सकता है, एक आइडिया है ये मेरा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, बिजली के तार हैं, मैं एक गली से गुजर रहा हूँ, मैं एक गली से गुजर रहा हूँ और वहां पर जो बंदे हैं उन्होंने कुंडा लगा रहा, कोई एक मैं गली से गुजर रहा हूँ मोहल्ले बराबर वाली गली में कोई कुंडा लगा रहा, मैं वहां से सीधा सीधा गुजर गया, मेरे बाप का थोड़ी क्या जा, मेरा क्या जा, कुछ नहीं जा रहा, लगाओ 10 कुंडे लगाओ भाई, तार तोड़ के घर ले जाओ अपने, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, कंडीशन नंबर टू, मैं उस तार का मालिक हूं, अब अगर कोई उस तार की तरफ टेढ़ी आंख से देखेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फर्क हो गया ना, क्यों? क्योंकि जब आपके ओनरशिप में आ जाए। तो प्राइवेट ग्रिड सिस्टम क्या हो सकता है? प्राइवेट ग्रिड सिस्टम होना चाहिए हर टाउन का, हर एरिया का, हर इलाके का, ठीक है ना। एक मिसाल के तौर पर नॉर्थ कराची टाउन है जो कि 11C3 से शुरू होता है और खत्म होता है सेक्टर 1 या सेक्टर 2 पर, नॉर्थ कराची जो 4 के चरंगी तक और बाबा मोड़ तक की पूरा जो है वो नॉर्थ कराची है। नॉर्थ कराची की बात करते हैं, या कोई भी एरिया है, गुलशन इकबाल, वट एवर, सो मैनी टाउन भी है। तो इसमें एक सिस्टम बना दिया हमने, उसको फिर डिवाइड कर दिया इलाके वाइज के, भाई इतनी मेंटेनेंस आपको संभाल ली, इतनी मेंटेनेंस आपको संभाल ली। अब वो तार कोयटा से आ रहे हैं कराची के अंदर, कराची से बिजली पैस कितना ट्रेवल करते हुए आ रही है, कितनी तो रास्ते में जाया हो रही होगी, कितने मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी आपकी, कि अगर आप टाउन वाइज ग्रिड सिस्टम सारे डिवाइड कर और उसकी ओनरशिप भी दे दी जाए उनको, वहाँ के इलाके वालों को, उसकी मेंटेनेंस भी इलाके वालों को दी जाए, उसकी मैनेजमेंट हो जो इलेक्शन के जरिए आए, ठीक है ना। यह आपने लिखना है इसके अंदर, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बहुत तवज्जो सुनिएगा, रिकॉर्डिंग है, बार बार आप सुन सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बेहतर है कि आप सुने तो मजा उसी में। तो मैंने दोबारा से बताता हूँ, पॉइंट वाइज बताता हूँ। नंबर वन, प्राइवेट ग्रिड सिस्टम हर टाउन का और हर इलाकों में उसकी मेंटेनेंस जितने घरों के हिसाब से पर फी घर डिवाइड हो जाए, ठीक है जी। अब कोयटा से ट्रैवल करके तार इतने ज्यादा जो हमारे कैपिटल इन्वेस्टर है वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम जितनी भी खर्चे आ रहे हैं हमारे आने चाहिए, मोहल्ला कमेटी होनी चाहिए, जो भी बिल नहीं देगा उसकी बिजली कंफर्म कटनी चाहिए, ठीक है ना। और सब एक दूसरे पर नजर रखेंगे, कोई भी बिजली चोरी भी नहीं होगी, सबको सब एहतियात भी करेंगे, नहीं यार ये हमारा अपना है और इसमें जो खर्चा आएगा तो हमें भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना दिए जाए तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बड़ी हेल्प हो जाएगी प्राइवेट ग्रिड सिस्टम। अब होता क्या है, कोयटा में एक धमाका हुआ, पूरे पाकिस्तान की लाइट चली गई, लेकिन अगर प्राइवेट ग्रिड सिस्टम होगा, हर इलाके का अपना ग्रिड होगा, अगर एक में धमाका होगा तो सिर्फ उसी एरिया में ब्लैकआउट होगा, सिर्फ उसी एरिया में इश्यूज आएंगे ना, बाकी तो कोई पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा ना। अब कुछ दिनों पहले जो कोयटा में एक धमाका हुआ था, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया था, बहुत बहुत चीजें हमारी डिस्टर्ब हो गई थी, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब हो गया था। वजीर आजम ने नोटिस लिया, यानी कि हमारा पंखा नहीं चल रहा है तो क्या वजीर आजम नोटिस लेगा, तो छोटी सी बात है ना, इसके लिए इतने बड़े लेवल पर जाकर जो है इस तरह के नोटिस लेना अच्छी नहीं है। अब पाकिस्तान हमारे वजीर आजम को बड़े काम करने, अभी देखो अभी वो आटे के चक्कर में, चीनी के चक्कर में फंसा दिया उसको, इतने सारे काम है बड़े बड़े, लेकिन हमारे भारत छोटे काम सही करें तो बड़ों को इस तरह के कामों में फंसने की जरूरत ना हो। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, प्राइवेटाइजेशन। देखें जी, सरकारी लोग जो है ना सब अच्छे नहीं होते, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं मैं मानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन सारे अच्छे नहीं होते, राइट। अब मैं बताऊं कि कुछ मेरे जानने वाले जो कि कराची के नहीं, कराची के अलावा दीगर मुख्तलिफ मकामात के हैं, तो मेरी उनसे बात हुई, एक शख्स से मैंने पूछा जो सिंध का रहने वाला है, इंटीरियर सिंध का, मैंने उससे पूछा क्या आप बिजली का बिल भरते हैं, उसने कहा कि माशाल्लाह अच्छी खासी एज है उनकी, तो बोले 35 साल में कभी हमने बिजली का बिल नहीं भरा, सही है, 35 years, 35 साल में कभी उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा। हम कराची वाले अगर 2 महीने बिजली का बिल ना भरे तो 3rd महीने वो लास्ट लेके खड़ा होगा बिजली काटने के, इतना ज्यादा। तो मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, वो अच्छी बात है, नहीं बिजली का बिल भरा, काट दे उसकी बिजली, उसका हक ही नहीं है, अगर वो पैसे नहीं भर रहा है तो उसका हक नहीं है बिजली का इस्तेमाल करने का, उसकी बिजली कट जानी चाहिए। लेकिन यह सिर्फ कराची वालों के साथ नहीं होना चाहिए, ये बल्कि हर जगह जितने भी लोग हैं सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने पूछा भाई कभी कोई बिजली काटने, बोला नहीं, ना कोई बिल भर, कोई ना कोई बिल लेकर आता है, ना कोई बिजली काटने के लिए आता है, तो उनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है जी। तो ये बात बताने की थी यहाँ पर।
कि प्राइवेटाइजेशन होगी तो क्या होगा, जो चेक एंड बैलेंस है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेक एंड बैलेंस बहरहाल स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इस तरह के इश्यूज हमें ना आए। तो उसके लिए क्या जरूरी है, प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। सरकारी लोगों को नौकरी से निकाला भी नहीं जा सकता और वो काम करने को तैयार होते नहीं। अच्छा, वो सिफारशी कल्चर से जो आते हैं, सिर्फ बेसिकली वो सरकारी अफसर जो सिफारशी कल्चर से आते हैं, मेरिट पर नहीं होते या सियासी वाबस्तगियों की वजह से आते हैं, वो तो काम करने को तैयार ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज इसके अंदर ऐड हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में काम बंदे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कितनी एडिट हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन एक आप करेंगे, प्राइवेट ग्रिड सिस्टम दो, हाइडल तीन, बायोमास चार, सोलर पांच, विंड छह, ये मेन हेडिंग हुई सात, और ये हो गई एक आठ। बस आई थिंक इतनी हेडिंग इसमें काफी होंगी। तो ये सवाल हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की जानिब। इसको आप मुझे लिखकर सेंड कीजिएगा ताकि मैं उस पर आपको कमेंट्स दूं कि आपने सही लिखा है या नहीं, इसकी लेंथ सही है या नहीं, इसमें वर्डिंग सही है या नहीं, ठीक है ना। अब ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको आप स्प्लिट करेंगे इन तमाम चीजों को, जो विंड से रिलेटेड है वो विंड में आ जाएगा, जो सोलर से रिलेटेड है वो सोलर में आ जाएगा, जो बायोमास से या हाइडल से रिलेटेड है वो इनमें आ जाएगा। इस तरह से आपको ये खुद अपना सवाल तैयार करना होगा। आपको भी मजा आएगा इससे, आप लीव रखें, इंशाल्लाह आपको भी इसमें मजा आएगा। अच्छा, ये सवाल मुख्तलिफ ईयर्स में आ चुका है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप ये सवाल करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। Discuss the significance of forest and also highlight the government steps in the development of forest. जंगलात इंसानी जिंदगी के लिए भी जंगलात का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसानी जिंदगियां भी बगैर जंगलात के नहीं रह सकती। क्यों? देखें, जो कुछ इस दुनिया में मौजूद है, अल्लाह ताला ने कोई चीज बेवजह पैदा नहीं की। हर चीज का अपना अपना काम है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर दरख्त, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं, जो हमारी गजा है। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हम ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं उसकी जगह। तो ये एक निजाम बना हुआ कि इंसान के जरिए दरख्त है और दरख्त के जरिए इंसान। अब अगर सारे दरख्त सारे जंगलात हम काट देंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन हो जाएगी बहुत ज्यादा और हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो इस चीज पर भी नजर जो है वो रखने की जरूरत है, ठीक है। तो सवाल हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो मैंने काम आपको दिए हुए उसके अलावा एक करके सवाल का टेस्ट देकर आप मुझे व्हाट्सएप करते रहें ताकि मैं उसका भी जवाब दे सकूँ। कोई भी सवाल हो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, कहीं पे भी, एज यू विश, ठीक है ना। आप बात आगे बढ़ाते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तानी जंगलात के बारे में। जंगलात के बारे में आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। इससे पहले भी आप जो है वो फॉरेस्ट के बारे में मुसलसल पढ़ते रहे हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज डेफिशिएंट इन फॉरेस्ट, पाकिस्तान जंगलात की पाकिस्तान में कमी है। उसकी वजह है हाउसिंग सोसाइटीज, नई से नई हाउसिंग सोसाइटीज बनती जा रही हैं। जैसे जैसे नई से नई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, हमारे पास जंगलात की कमी होती जा रही है। तो हमें बढ़ाने की जरूरत है अपने जंगलात को। हम कैसे बढ़ाएं? जंगलात हमारे बढ़ेंगे जब हम लगाएंगे दरख्त। इसके लिए हमारे प्यारे प्यारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने बिलियन ट्री का किया, और मुस्तफा कमाल के दौर में भी और दीगर अदवार में भी। अब शरई लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कोई भी दरख्त लगाना बाकायदा बाई से सवाब सवाब भी मिलता। तो वी शुड ऑल्सो ट्राई कि अगर हम कोई जो है वो मतलब लगाएं तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब उसको पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ। अच्छा जी, पाकिस्तान थोड़ा सा मैंने और बड़ा किया ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आए। पाकिस्तान इज डेफिशिएंट इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, द सेक्टरल शेयर ऑफ दिस सब सेक्टर इन द जीएनपी 0.1%, द लोएस्ट वन इन द वर्ल्ड। हमारे जीएनपी में जो जंगलात के जरिए आमदनी होती है दैट इज ओनली 0.1%, दैट इज लोएस्ट वन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे कम जो कमाते हैं, दुनिया में सबसे कम
जो कमा रहे हैं वो हम कमा रहे हैं जंगलात से। तो दिस अ बिग क्वेश्चन मार्क है यार, दुनिया में सबसे कम हम क्यों कमाते हैं। नियरली 4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री एक्सक्लूडिंग नॉर्दर्न एरिया इज अंडर फॉरेस्ट, और दुनिया के सिर्फ 4% जो है वो जंगलात है, जबकि कम से कम दुनिया सॉरी पाकिस्तान के सिर्फ 4% जो है वो जंगलात है, जबकि पाकिस्तान के कम से कम 20% जो जंगलात होने चाहिए एंड दे आर ओनली 4%, 16% की तो वैसी कमी है। अब इसको पूरा कैसे करेंगे? ऐसे जो है पौधे लगाए जाएं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक पौधा खरीदा जो कि मेरे एक हाथ के बराबर भी नहीं था, उसकी हाइट मेरे हाथ से भी कम थी, उसके अंदर वो 15-20 पत्ते थे सिर्फ और कुछ भी नहीं था। तो रोजाना मैं उसके पत्ते गिनता था, रोजाना के रोजाना एक कभी दो कभी चार उसके पत्ते बढ़ते रहते थे। छोटे सी थैली थी, एक पाव की थैली थी दूध की, उसमें वो पौधा मैं खरीद के लाया और मैंने घर में छोटा सा गमला था उसमें वो लगा दिया। उसका मुझे नाम शायद पता नहीं पीपल था या कौन सा था, लेकिन उसके सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे, कुछ भी नहीं होता था उसमें, सिर्फ पत्ते होते थे। मुझे दिया था किसी ने कि बहुत जल्दी ग्रो करेगा, आप इसको लगा लिया अगर नहीं लगाना। तो मैंने घर में लगाया छोटे से गमले में, रोजाना सुबह उठ के भागता हुआ जाता और उसके पत्ते गिनता। तो कुछ दिन गुजरे, इतने पत्ते को उसके अंदर 100, 150, 200, अब एक एक दिन में 20-25 पत्ते आने लगे। मुझे ज्यादा नहीं समझ में नहीं आ रहा कौन सा पत्ता किस दिन का, तो मैंने फिर गिनना छोड़ दिया। ऐसे ऐसे छोटे से बहुत बड़े सबसे फुल साइज का जो गमला होता है उसमें मैंने वो लगाया और वो इतना बढ़ गया कि वो मैंने उसको धागों से रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया। छत ये इतना बड़ा हो गया, वो 13 फिट से भी ऊपर छत उसने क्रॉस कर दी। फिर मैंने अपने घर के बाहर ले जाना पड़ा, बाहर मैंने हमारा घर ग्राउंड फेसिंग था तो मैंने ग्राउंड में लगा दिया वो। जरा 2-3-4 साल शायद गुजरे होंगे, एक साल उसको लगातार मैंने उसको पानी दिया, एक पूरे पूरे गैलन भर के उसको पानी देता। एक ऐसा वक्त आ गया कि वो उतनी उसकी छांव होने लगी, वो दरख्त बन गया। और जो मेरे पास उस वक्त जो मेरे पास गाड़ी थी, वो गाड़ी उस दरख्त के नीचे जो है वो खड़ी होना शुरू हो गई। दो गाड़ियां थी हमारी, दोनों गाड़ियों एक तरफ और एक दूसरी तरफ, दोनों तरफ उसके दो गाड़ियां हमारी खड़ी हो जाती थी और छांव में। तो ये उस तरफ से फायदा भी हुआ। फिर शाम में उसकी दरख्त के नीचे बैठ गया, बड़ी ठंडी ठंडी छांव लगती थी। मतलब बताने का मकसद क्या है कि बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं ये, और ये हमें लगाने चाहिए, कम से कम हर शख्स को जो है वो लगाने चाहिए। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? नंबर वन, आपकी ब्रेथिंग में आपको सांस लेने में बड़ा आसानी होगी और सांस लेने में आपको बड़ा इससे फायदा होगा। अच्छा, फॉरेस्ट कई किस्म के होते हैं, अभी देखें आप इसमें आगे। Whereas for balanced economy, 20-25% of the total area, यानी बैलेंस इकोनॉमी के लिए क्या कह रहा है कि कम से कम 20-25% जो होना चाहिए वो जंगलात होने चाहिए। आगे इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एरिया वाइज किस एरिया में कितने परसेंट जंगलात हैं। दुनिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो जंगलात हैं दैट आर इन केबी, जिसको पहले NWFP कहते थे, केबी के कहते हैं, 15.6% अंडर फॉरेस्ट, सिंध 4.2%, पंजाब 2.7% एंड बलूचिस्तान 2.1%। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउएवर इज मच बेटर देन दैट ऑफ 1947। नाउ इन 2008 द फॉरेस्ट एरिया कंप्रेस ऑफ 30,170 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज ट्वाइस लार्ज एज दैट इज 1947, 13,800 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को जितने जंगलात पहले मिले थे, पाकिस्तान ने जंगलात में वक्त के साथ साथ इजाफा किया। जितने जंगलात पहले हमें मिले थे उतने जंगलात आज नहीं है, बल्कि जंगलात में क्या हो चुका है, जंगलात में आज इजाफा हो चुका है। तो उसकी वजह हमारे सियासतदान शायद हो सकते हैं, हमारी आवाम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो फलाह इदारे हैं, लेकिन आजकल तो फलाह इदारे राशन बांटने में मसरूफ हैं, कभी किसी काम में मसरूफ होते हैं, लेकिन ऐसा भी वक्त आ जाता है कि ये जब इनके पास जब कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होता, फिर ये पौधों की तरफ ग्रीन कराची इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो चलती रहती हैं, उस पर काम करते हैं मौसम के ऊपर। बहरहाल कोरोना वायरस से जो फायदा हुआ है वो ये भी हुआ है कि हमारा पॉल्यूशन कम हुआ है। अगर यानी कि अगर किसी बुलंद किसी सतह से जाकर आप खड़े होकर देखेंगे
तो आपको नजर आएगा जो धुंधलापन शाम में होता था उसमें बहरहाल बहुत कमी हो गई है, और आपकी जो सर्दियां आएंगी, कमिंग जो सर्दियां होंगी उसमें धुंध में भी कमी आप देखेंगे, उसकी वजह फैक्ट्रियों का ना चलना, गाड़ियों का कम चलना, ये उसकी वजह। अच्छा, एक तरफ ये है, प्लस जंगलात जो है उसमें भी इजाफा होगा, बारिशें भी बढ़ जाएंगी इससे, और गर्मी भी कम होगी, मतलब हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा जी, दिस इंक्रीज मे बी एट्रीब्यूटेड टू द अफॉरेस्टेशन ब्ला 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 द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान। अब हम ये देखेंगे कि किस किस किस्म के फॉरेस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है जी, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट अवेलेबल इन पाकिस्तान, कितने किस्म की फॉरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बात ये कि ये ना आता नहीं है, मतलब एग्जाम्स, सिर्फ मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए लिखा हुआ, अगर आप चाहें इसके बारे में गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल कॉनिफ फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट एंड बेला फॉरेस्ट, मंग्रोव फॉरेस्ट, इरिगेटेड फॉरेस्ट, ठीक है ना। पाकिस्तान इज अ फॉरेस्ट डेफिशिएंट कंट्री, पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जिसके अंदर जंगलात की कमी है। अच्छा, इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना आपको बड़ा मजा आएगा, हर किस्म की अलग अलग किस्म की ये हैं, कुछ किसी जानवर के लिए, कुछ किसी जानवर के लिए, इन तमाम जंगलात में जो जानवर पाए जाते हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रास लैंड जो होती है, जो ग्रास फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर शेर पाए जाते हैं, बकर, शेर, शेर, मतलब एक तो घास होती है जो आपके भी अम्मा पार्क में होती है और मुख्तलिफ पार्क में है, उस घास की बात नहीं कर रहा, ऐसी घास होती है जो 6-6 फिट होती है, उसके अंदर जो है वो शेर होते हैं और उसके अंदर छुप के वो एकदम से, क्योंकि वो ज़्यादा भाग नहीं सकते, भागते बहुत तेज है लेकिन उनकी लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं भाग सकते, तो बहुत करीब जाके फिर वो एकदम से हमला करते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़िएगा कौन कौन से जानवर होते हैं, थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी इंशाल्लाह इससे ना आपकी। चलिए यहीं पर अपनी बात को रोकते हैं, ठीक है ना, तो अपनी बात पर सिर्फ इतना कहूँगा कि काम करते रहें, क्योंकि वक्त गुजर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, अप्रैल शुरू हो गया है, दिसंबर में आपके पेपर हैं इंशाल्लाह, तो उस हिसाब से आपने चलना है, ठीक है ना, कि जितना कम वक्त होता जा रहा है आपके पास, रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट डिले होगा,